हाँ तो भाई लोग कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले एक नई हिंदी डब मूवी के बारे में। वैसे तो इस मूवी को यार यूट्यूब पर डाल दिया गया है और कसम से यार जब मैंने इसको देखा और जब मैंने इसके व्यूज को देखा कि यार कितने व्यूज आए हैं लगभग 2 से 3 दिन में, तो मुश्किल से 3 से 4 लाख व्यूज हैं बस अभी फिलहाल में। और मूवी के बारे में क्या ही कहूँ, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं तो अभी नहीं कहता हूँ, फिर चलो स्टार्ट करते हैं इस मूवी का रिव्यू। उससे पहले इसका नाम बता दें तो नाम इसका विक्रमादित्य है, जो यार मूवी है ये मलयालम सिनेमा की तरफ से और इसी मूवी का करने वाले हैं रिव्यू। फिर चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, पर इस इंट्रो के बाद। तो अगर पहले इसमें स्टार कास्ट के बारे में आपको बता दें तो उसमें देखने मिल जाएंगे आपको दुलकर सलमान, उन्हीं और इनसे अलग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर। बात करें क्या है इसकी स्टोरी, क्या कहते हैं कहानी हमसे, पूरा प्लॉट क्या है इसका। तो देखो प्लॉट इसका फोकस करता है 3 दोस्तों पर जो एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ रहते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, सबकी यार लाइफ अलग है, सबका अपना माइंड सेटअप अलग है, पर उन तीनों की लाइफ यार कैसे आगे चलकर कनेक्ट करती है और क्या क्या होता है उनकी लाइफ में, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा मूवी को जो मिल जाएगी यूट्यूब पर। पर जाने से पहले जरूर सुन लो कि मूवी की स्टोरी कितनी अच्छी लगी और क्यों इस पे कितने कम व्यूज आए हैं। तो यार अगर पहले स्टोरी के बारे में एक शब्द में बोल रहा हूँ तो यार स्टोरी वाइज यार मूवी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और मैं इसको खुद एक्सेप्ट करता हूँ। जो स्टोरी 2014 की है और वो आज भी अगर आपको पसंद आती है तो स्टोरी में दम होगा भाई, और जरूर होगा। स्टोरी में जिस तरीके से इमोशन को, एक ड्रीम को, मोटिवेशन को, हर चीज़ को पॉइंट में डाला गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रेसिव है। साथ में कॉमेडी तो हमें देखने को मिलती है पूरे मूवी में, वो भी यार काफ़ी अच्छी थी और उसने काफ़ी हद तक इम्प्रेस किया। स्टोरी में जो कैरेक्टर राइटिंग है वो तीनों लीड एक्टरों में बराबर बांटी गई है, किसी भी एक्टर को ये नहीं कि वो बड़ा है या छोटा है तो उसको कम कर दिया जाए। मूवी की स्टोरी का यार एक सीन मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। देखो यार ज़्यादातर मूवीज़ में देखते हैं, अगर इस टाइप की मूवीज़ की बात करें तो जिस कैरेक्टर के पास अच्छा पैसा होता है, अच्छी पावर होती है, वो उसका मिसयूज कर लेता है। जैसे अगर बाप के पास अच्छी पावर है तो उसका मिसयूज कर ले, या फिर उसके जो अपोजिट है उसको गिराने की कोशिश करता है ज़्यादातर मूवीज़ में। पर यहाँ पर यार वो बंदा खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। वो बंदा एक जगह खुद बोलता है कि यार उसने पूरी क्लास ली है और सामने वाले बंदे ने क्लास भी नहीं लिया, काम किया, उसके बाद भी उसकी रैंक उससे अच्छी आई है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत तो होगी। और यही ये मूवी यार कुछ अलग हटके करती है। पूरे मूवी की स्टोरी में जो इमोशनल सीन थे उनको भी काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है और वो भी आपको इम्प्रेस करते हैं। देखो यार स्टोरी में 2 इमोशनल सीन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही कनेक्ट कर लेते हैं। एक जगह यार जो मेन लीड में एक्टर हैं दुलकर सलमान, जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उनके जो पापा हैं वो उनके लिए यार पुलिस वाले बन के आते हैं उनके कॉलेज में, जहाँ पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उनकी इंसल्ट करती है। बाकी उसके बाद क्या होता है वो तो आपको देखने के लिए मूवी को देखना पड़ेगा, पर फिलहाल यार वो सीन यार काफ़ी हार्ट टचिंग था, उससे आप कनेक्ट करोगे। साथ में एक लास्ट वाला सीन है जहाँ उनके और उनकी माँ के बीच में सेट किया गया है, वो भी सीन यार काफ़ी हद तक अच्छा था। मूवी यार लास्ट में जाते जाते एक मोटिवेशन भी छोड़ जाती है और एक अच्छे ट्विस्ट के साथ खत्म भी होती है। क्लाइमेक्स इतना भारी नहीं रखा गया, एक्शन फाइट सीन फालतू नहीं डाले गए, मतलब यार क्लाइमेक्स में तो एक्शन फाइट सीन है ही नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मूवी को टर्न करके घुमा दिया गया, जो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है और मूवी वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई भी कर देती है, उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर देती है, प्लस मूवी की स्टोरी के जो विलन है उसको एक तरीके से नीचे गिरा देती है, वो लास्ट टाइम तक जाते जाते नीचे अपने हार मान ही लेता है और उसे यार झुकना पड़ता है। मूवी के स्क्रीन प्ले में चाहे फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ हो, कहीं भी मुझे फास्ट नहीं लगा, ना ही मुझे कहीं स्लो लगा, मूवी को मैंने अच्छे तरीके से इन्जॉय किया। हाँ मूवी के स्क्रीन प्ले में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। देखो यार 2014 की मूवी है तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन वैल्यू भी होगी उसकी, और आज के टाइम पे देखते हो तो थोड़ा वो कमज़ोर लगता है। साथ में बाकी जो एक्शन फाइट सीन है उनको अच्छे से कोरियोग्राफ नहीं किया गया है, और जितने भी एक्शन फाइट सीन देखने को मिले मूवी में वहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही जगह का पसंद आया, जब यार दोनों मेन लीड में जो एक्टर हैं वो दोनों आपस में लड़ते हैं। बाकी यार इससे अलग कोई खास एक्शन फाइट सीन है नहीं और जो है वो इतने पसंद आएंगे नहीं। ये है मूवी के एक निगेटिव पॉइंट जिसको अगर आप नोटिस करते हो तो आपको निगेटिव लगती है। साथ में मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मूवी के हिसाब से वो फिट भी बैठता है, चाहे मुस्लिम सीन में हो, चाहे एक्शन फाइट सीन में हो, या फिर अलग जगह हो, अच्छे से फिट कर दिया गया उसे और वो आपको इम्प्रेस करेगा। अगर आपका सवाल है कि मूवी का स्क्रीन प्ले आपको बोर करेगा या नहीं करेगा, तो देखो यार नहीं करेगा, कहीं भी मुझे फालतू में भगाने की जरूरत पड़ी नहीं जिसको मैं बोलने जाऊँ। वहीं अगर इसमें एक्टिंग के बारे में बात कर लें तो चाहे दुलकर सलमान हो या फिर उन्हीं हो या इनसे अलग भी जो भी एक्टर है या एक्ट्रेस है, सबका काम ठीक ठाक था। मूवी ज़्यादा कैरेक्टर को फोकस करती नहीं है, 5-6 कैरेक्टर पर फोकस करती है मूवी, और उन लोगों ने अपने काम को अच्छे से किया है और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो यार ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करें, उससे पहले बताएं इसके हिंदी डब के बारे में, तो यार हिंदी डब अच्छा कराया गया था, हिंदी डब से आप निराश नहीं होने वाले हो। तो यार अब फाइनल बात कर लें इस मूवी के बारे में कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो यार मूवी को मिस नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों यार ऐसे मूवीज़ पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं और जो ख़राब मूवी होती है हिंदी डब में उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। रीज़न ये है कि यार लोगों को इस टाइप की अच्छी मूवीज़ देखना पसंद ही नहीं है, खासतौर पर यार हिंदी डब ऑडियंस को। देखो यार वन मूवी आई है कुछ दिन पहले
जाके देखो, बहुत ही अच्छी मूवी है। और उस पर अगर व्यूज देखोगे 4 से 5 लाख ही होंगे। वहीं एक तंपत राजा नाम से मूवी आई है, उस पर 1 डे व्यूज जो था वो 9 लाख था। तो सोचो यार, वो बकवास मूवी होके उस पर इतना था व्यूज, और अच्छी मूवी वन मेगा स्टार मनमूटी सर की मूवी, उस पर व्यूज का नामो निशान नहीं। यही तो है यार, जब मूवी एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ आती है तो लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है, वहीं बकवास मूवी को जाके अच्छा व्यूज देते हैं। तो बाकी यार, अब आगे आपकी चॉइस है। अगर आपने इस मूवी को देखा हो तो भाई लोग यार कमेंट में जाके बता सकते हो कि मूवी आपको कैसी लगी। और नहीं देखा हो तो यार मेरा ओपिनियन है कि एक बार जाके जरूर देखो, आप इंजॉय करोगे। उसको देखकर आप इंप्रेस होगे, मोटिवेशन लोगे, कुछ इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे और इंजॉय करोगे। इतना टाइम मूवी आपसे लेगी, उतने टाइम में कुछ अच्छा दिखाएगी। तो मेरी मानो तो यार जरूर एक बार जाके मूवी को देखो, इंजॉय करने वाले हो फिर जाओ देखो, इंजॉय करो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ बोलना हो तो जाके कमेंट में बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।